दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने इथेनॉल प्लांट का किया शिलान्यास। कहा, सपा बनाना चाहती थी बुचड़खाना, हमने लगाया उद्योग, युवाओं को मिलेगा रोजगार। अंतर जनपदीय गौ तस्करी की घटनाएं कारित करने वाले गैंग के दो अपराधियों के विरुद्ध सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, एसपी साउथ ने दी जानकारी। जनपद के सभी बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को नदी में नहाने न भेजें, नदी का बढ़ गया है जलस्तर, एडीएम फाइनेंस नीत कुमार सिंह ने की अपील। थानाध्यक्ष अंजू चतुर्वेदी की अध्यक्षता में कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन, फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जेल में बंद 27 बंदियों को बंदी मिथुन द्वारा टेराकोटा की मूर्तियां बनाने के लिए दे रहा है प्रशिक्षण, पीएम मोदी, सीएम योगी, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सहित अन्य महापुरुषों की बना रहे हैं टेराकोटा की मूर्तियां। जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डीके पांडे ने 15 अगस्त के कार्यक्रम के दृष्टिगत अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के स्मारक स्थल का किया औचक निरीक्षण। कहा, जेल में 9 अगस्त से चल रही है बंदियों के लिए विभिन्न तरह की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बंदियों को 15 अगस्त को किया जाएगा सम्मानित। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी शनिवार को गीडा सेक्टर 26 में मेसर्स केयान डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के 1200 करोड़ रुपए के निवेश वाले एथेनॉल व ईएनए प्लांट का शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद सभा में मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में निवेश दूर की कौड़ी थी। लचर कानून व्यवस्था के चलते लोग यहां उद्योग लगाना, कारोबार करने में डरते थे। जब उद्यमी और व्यापारी ही सुरक्षित नहीं थे तब उनकी पूंजी कैसे सुरक्षित रहती। बाहर से निवेशकों का यहां आना तो दूर, यहां के उद्यमी व्यापारी भी भाग रहे थे। पर 6 सालों में यूपी की कानून व्यवस्था पूरे देश में नजीर बनी है। हर निवेशक यूपी आना चाहता है, अधिकाधिक निवेश करना चाहता है। फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिला 36 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव इसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 साल पहले सपा बसपा की सरकारों में यूपी के लोगों के सामने पहचान का संकट था। यहां के नौजवानों को देश में कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलता था। दूसरे राज्यों में लोग किराए पर मकान नहीं देना चाहते थे, हॉस्टल मिलने में दिक्कत होती थी, उसे पहचान छुपाने को मजबूर होना पड़ता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज सहजनवा के जिस भीटी रावत में एथेनॉल प्लांट लगने जा रहा है, वहीं 10 वर्ष पूर्व सपा सरकार बुचड़खाना लगाना चाहती थी, विरोध हुआ, आंदोलन करके उसे रोका गया। अगर यहां सपा सरकार का थोपा बुचड़खाना का कलंक होता तो अन्य कोई उद्योग नहीं लग पाता। सीएम योगी ने कहा कि गीडा में सीपी मिल की तरफ से डेयरी उद्योग, तत्वा प्लास्टिक की तरफ से पाइप निर्माण उद्योग, वरुण ब्रेवरेज की तरफ से बॉटलिंग प्लांट और केंद्रीय भंडारण निगम की तरफ से वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है। अंकुर उद्योग का इस्पात प्लांट शुरू हो चुका है। इस अवसर पर प्रदेश शासन के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विधायक विपिन सिंह, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पूर्व विधायक देवनारायण उर्फ जीएम सिंह, अश्विनी त्रिपाठी, युधिष्ठिर सिंह, अनिल सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक आनंद विक्रम सिंह, उप महाप्रबंधक संजीव कुमार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत उन्हें आज डिस्क्रिप्शन एवं मोमेंटो में उपस्थित स्वागत का श्रीमती दीप्ति सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प कर तालियों के द्वारा जनमानस के द्वारा और साथ ही साथ मुंबई की ओर से यह राम मंदिर जिसके द्वारा राम राज्य का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से किया जा रहा है, हम आमंत्रित करेंगे। अत्यंत गहराई से आभार करता हूँ, धन्यवाद।
2017 के बाद अपराधियों पर नकेल कसी गई। अपराध और भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति नजीर बनी और आज अपराधियों में डर है और ईमानदार का ऊंचा सर है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्मभूमि गोरखपुर आज नए उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। कनेक्टिविटी, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ लिविंग, निवेश फ्रेंडली नीतियाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और पर्यटन विकास से नए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात, एम्स का संचालन एवं दशकों से बंद पड़े खाद कारखाना तथा चीनी मिल के पुनः संचालन से किसान, युवा और आम जन में नई आशा की किरण जगी। औद्योगिकीकरण की दिशा में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठित कंपनियों ने विगत 6 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया है। इससे 20,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री तथा ओडीओपी योजना के तहत गारमेंट पार्क से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 2000 एकड़ में औद्योगिक गलियारा और धुरियापार क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना की जा रही है। साथ ही गोरखपुर लखनऊ राजमार्ग एवं सोनौली कुशीनगर मार्ग के जंक्शन पॉइंट पर व्यवसायिक एवं आवासीय परियोजना का कार्य गोरखपुर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नई पहचान देगा। इसी श्रृंखला में आज महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1,200 करोड़ रुपए की लागत से 31 एकड़ में इथेनॉल उत्पादन इकाई एवं बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह निवेश परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 trillion इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। प्राइवेट लिमिटेड के भूमि पूजन के शिलान्यास अवसर पर भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का मैं सृजन और विधानसभा की तरफ से एक एक जनता एक एक कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, ग्रामीण विधानसभा के विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय दृष्टि सिंह जी, पूर्व विधायक GM सिंह जी, महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद जी, आदरणीय अश्विनी त्रिपाठी जी, अनिल सिंह जी, इसके प्रबंधक विनय कुमार सिंह जी, आनंद विक्रम सिंह जी, संजीव कुमार जी सहित सभी मंचासीन अतिथियों का, हमारे आए हुए सभी चेयरमैन, सभी ब्लॉक प्रमुख, सभी प्रधानगण, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सभी भाइयों बहनों का अभिनंदन स्वागत करते हुए आज पूज्य महाराज जी के द्वारा 2017 में सरकार बनने के बाद जो एक डीडा का विकास हुआ, आज यह डीडा बने 35 साल हुआ, लेकिन 27 सालों में केवल डीडा एक औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस 6.5 साल में वही 2017 के पहले समाजवादी और बसपा के गुंडों के नाते यहाँ उद्यमी नहीं आते थे, उद्योग नहीं लगता था, लेकिन इस 6.5 वर्षों के अंदर यहाँ पूरे भारत से उद्यमी आ रहे हैं और यहाँ उद्योग लगा रहे हैं। आज 26 नंबर सेक्टर जब आने पे दिखता है जैसे लग रहा है कि हम नोएडा में आए हैं। आज पूज्य महाराज जी की कृपा से यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं जिससे लोगों का रोजगार मिलेगा। आज हमारे पूर्वांचल के जितने नौजवान हैं उन्हें बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसी गीडा में आज उत्तर प्रदेश के बाहर के भी नौजवान आके यहाँ सर्विस कर रहे हैं, जो पहले हमारे यहाँ पूर्वांचल के नौजवान बाहर जाते थे। पूज्य महाराज जी ने सृजनवा विधानसभा का जो ऐतिहासिक विकास किया है पूरे गीडा से लेकर चाहे अटल आवासीय विद्यालय
शहरों में कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, श्रमिकों के लिए उससे अच्छा कुछ महाराज जी ने अटल आवासीय विद्यालय बनाया है, उसके कमरे उसके हॉस्टल एक प्राइवेट विद्यालय से अच्छे हैं, जहां में श्रमिक के बच्चे पढ़ेंगे, कुछ महाराज जी ने अटल आवासीय विद्यालय दिया, इस सज्जनों को आश्रम पद्धति विद्यालय दिया, पॉलिटेक्निक विद्यालय दिया, और हमारे नौजवानों के लिए यहाँ मस्करा इंटर कॉलेज में स्टेडियम का भी निर्माण कराया। इसके लिए मैं कुछ महाराज जी का पूरे सैजनवा विधानसभा की तरफ से एक एक नौजवान एक एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से अभिनंदन वंदन करते हुए आज कुछ महाराज जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वरद हस्त का संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से एमडी श्री विनय कुमार सिंह जी के सानिध्य में आज 31 एकड़ की भूमि में 1200 करोड़ की परियोजना का एक नौ के साथ गर्दन ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद कि आपके संरक्षण में उत्तर प्रदेश सदैव प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, जनरल मैनेजर श्री आनंद विक्रम सिंह जी, डीजीएम श्री संजीव कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए और गीड़ा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हमारे उद्यमीगण, यहाँ के नागरिकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहाँ पर ज्ञान डिस्टिलरी के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए की निवेश परियोजना की आधारशिला रखी गई है। मैं इस अवसर पर इस पूरी परियोजना के लिए इसे फाइनेंस करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को धन्यवाद करते हुए इसके प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, यह इथेनॉल का अत्याधुनिक प्लांट लग रहा है जो सड़े हुए अनाज से जितने भी जिसको आप घास कहते हैं, जिसको आप वेस्ट कर देते हैं, ये सभी से मिला करके इथेनॉल बनेगा। ग्रीन एनर्जी के एक नए केंद्र के रूप में सहजनवा का विकास होगा। हजारों नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी। एक अत्याधुनिक सोच और उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए श्री विनय कुमार सिंह को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और गीड़ा प्रशासन को, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके यहां पर समय से आवंटन, जमीन का आवंटन करना, समय पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से फाइनेंस के लिए भारतीय स्टेट बैंक का आना और समय पर यह परियोजना जब खड़ी होगी तो इसके माध्यम से इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में
आत्मनिर्भरता, डीजल और पेट्रोल के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि किसान के खेत में पैदा होने वाला अन्न या उसके खेत में जो घास पैदा होती है उसी को इथेनॉल के रूप में इस्तेमाल कर, उसी को इस्तेमाल करके इथेनॉल का निर्माण जब होगा तो यहां के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और पेट्रोल क्षेत्र में प्रदेश देश की सरकार को भी विदेशी मुद्रा को देने में विनिमय करने में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जो पैसा अभी पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के बाजार में जाता है, गल्फ कंट्रीज को जाता है, वही पैसा हमारे किसानों के जेब में जाएगा और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। सहजनवा क्षेत्र में इस प्रकार का उद्योग लगे ये एक कल्पना, और भाइयों बहनों आप तो सब जानते हैं ये फैक्ट्री वहां लग रही है। देखिए यही सोच यही है फर्क सोच में। आज से 10 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी एक भूषण खाना लगाना चाहती और हम लोगों ने उस समय यहां बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उनको भूषण खाना पसंद था तो ये भूषण खाना लगा रहे थे, यहां के आसपास के सभी लोगों ने इस पर नाराजगी व्यक्त की थी और एक आंदोलन खड़ा हुआ था और भूषण खाना लगने से रोका गया था। इसी क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए और कई गुना बढ़ाने के लिए एक इथेनॉल प्लांट का अत्याधुनिक इथेनॉल प्लांट का आधारशिला रखी जा रही है और इसके माध्यम से विकास की प्रक्रिया के साथ सहजनवा को, गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों मैं भी देख रहा था यहां पे एक डेयरी का भी निर्माण हो रहा है, यहां पर एक नया उद्योग पाइप निर्माण की उसके निर्माण का उद्योग भी यहीं पर लग रहा है। यानी ये दो बड़े उद्योग पहले से यहां पे लग रहे हैं और एक तीसरा उद्योग यहां लग रहा है। सोचिए यहीं पर 10 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार भूषण खाना लगा करके इस पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर देती, कोई अन्य उद्योग नहीं लग पाता, लोगों का आना जाना ओवर हो जाता, किसान अपने जानवर को बचाने के लिए मजबूर होता और ऊपर से मनुष्य नहीं चील और गिद्ध मंडराते हुए दिखाई देते। लेकिन आज यहां पे भूषण खाना नहीं, आज तो यहां पर एक तरफ डेयरी लग रही है, दूसरी तरफ पाइप मैन्युफैक्चरिंग की एक नई अच्छा प्लांट स्थापित हो रहा है और फिर यहां पर ज्ञान स्टडीज के द्वारा अत्याधुनिक इथेनॉल प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है जो 1200 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर स्थापित होने जा रहा है। आप सोचिए आप में से कितने लोग होते जो भूषण खाने में काम करने को तैयार होते हैं? मुझे लगता है कि सहजनवा का तो कोई व्यक्ति नहीं काम करता और गोरखपुर का भी कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता, लेकिन डेयरी में तो बहुत सारे लोग काम करने को तैयार होंगे ना। डेयरी तो आधुनिक डेयरी है, वो दुग्ध कलेक्शन गांव गांव में दुग्ध समितियों का गठन करके भी आप उसके माध्यम से भी उसके साथ जुड़ सकते हैं, दुग्ध समितियों का गठन करके और उस दुग्ध को वहां से दूध को गांव में एक जगह इकट्ठा करके वहीं से चीनी प्लांट में ले जाना और फिर वहां से डेयरी में पहुंच जाना, अनेक प्रोडक्ट उससे बनेंगे, दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, बटर भी मिलेगा, उससे अनेक अन्य उत्पाद तैयार हो सकते हैं और
ज्ञान डेयरी जो यहाँ पे अपनी डेयरी स्थापित कर रही है, प्रदेश की एक प्रतिष्ठित डेयरी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश ने इसे अपना बहुत अच्छा विस्तार किया, बहुत अच्छा काम कर रही है और वह डेयरी यहाँ पर विकास के माध्यम से किसानों को भी समृद्ध करेगी और यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी देगी। भाई जल जीवन मिशन के अंदर आज हर घर नल की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर बिछाई जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी योजना है और उसके लिए आधुनिक क्वालिटी के पाइप बने। आप सोचिए जो पाइप आपको पानी पिला रहा है वह पाइप पता नहीं कहां से आ रहा था, आपको भी नहीं पता, लेकिन अब आप भी कह सकते हैं कि हमारे यहां जो पाइप बिछाया जा रहा है ये पाइप भी हमारे सेजनवा में बन रहा है, उस प्रकार का उद्योग भी इसी सेजनवा में स्थापित हुआ है। अभी तक आपको पता नहीं कि आपकी गाड़ी में जो डीजल और पेट्रोल भरा जा रहा है ये कहां से आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब इथेनॉल के वाहन आपके यहां चलेंगे, आपके यहां जो थोड़े बहुत मात्रा में अभी तक इथेनॉल उसके साथ मिक्स करने की व्यवस्था दी गई है, जब इसकी संख्या और बढ़ेगी आप भी कह सकते हैं कि इथेनॉल कहीं और से नहीं, हमारे सेजनवा में ही इसका निर्माण हुआ है और हमारी गाड़ी इससे चलेगी, ग्रीन एनर्जी का एक नया माध्यम बनेगा। ये जो वाहन चलेंगे उससे पॉल्यूशन कम होगा और उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी वह उतनी खतरनाक नहीं होगी जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। यानी जिसको आप कल तक वेस्ट कहते थे, फेंक देते थे, वह भी आपको एक नाम देगा और उसका एक माध्यम बनेगी यह कियान बिस्लरी। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर आपने बदलती हुई तस्वीर देखी है, भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदला है, भारत विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, भारत भी नए प्रतिमान विकास के स्थापित कर रहा है, हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 के उन समूह देशों की अध्यक्षता कर रहा है जिनकी दुनिया में पूरी जिनकी ताकत है, जिनका अर्थव्यवस्था पर अधिकार है, जिनके पास सैन्य ताकत है, जिनके पास रिसर्च की ताकत है, उन G20 के देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इससे बड़ी सौभाग्य और भारतवासियों के लिए नहीं हो सकती है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज संभव हो पाया है। एक नए भारत का दर्शन भारत कर रहा है और इस नए भारत के दर्शन में हर भारतवासी के सामने एक संकल्प है, वह संकल्प है कि आगामी 25 वर्ष का एक कार्यकाल जो अमृत काल होगा, इस अमृत काल में हमें कैसे भारत का निर्माण करना है, उस विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तैयार होना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा एक नशे से अपने आप को दूर करें, गलत संगति से दूर करें, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, विकास की एक सकारात्मक सोच, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की एक सोच और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सोच के साथ अपने आप को जोड़ना यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसी आवश्यकता के साथ आज उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में निवेश करना एक दूर की पौड़ी थी, लोग डरते थे क्योंकि कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं था,
जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रहती? व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित? और इसलिए कोई आता नहीं था, जो पहले से आया था वो भाग रहा था, यहां से यूपी छोड़ के भाग रहा था। और भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश में नौकरी पाता था, और अगर उसने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो देश के अंदर भी उसके लिए कोई ठोट ठिकाना नहीं था। लोग अपने घर अगल बगल बैठने नहीं देते थे, मकान नहीं लेने देते थे, किराया का भवन नहीं लेने देते थे, छात्रों को हॉस्टल में जाने में दिक्कत होती थी, अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों की संस्कार थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। लेकिन आज पहचान का संकट नहीं है। आज तो भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिश्रम किया गया, तबलीगन सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान दिया, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने, उत्तर प्रदेश के अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अंतर जनपदीय गो तस्करी की घटनाएं कारित करने वाले गैंग के 2 अपराधियों के विरुद्ध सिकरीगंज थाने की पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गैंग लीडर बबलू कैश मियाँ पुत्र कैश मियाँ और जुमराती पुत्र बशीर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अपराध में अर्जित की हुई संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, बबलू और कैश मियां और जुमराती नाम के 2 गो तस्कर, जिनका एक संगठित गिरोह, इनके द्वारा लगातार गोवध अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा था। विगत दिनों सिकरीगंज में 1 पिकअप और 6 अदद गोवंशीय पशुओं के साथ तथा पशुओं की कटान करने वाले उपकरणों के साथ ये पकड़े गए। पिकअप में इस तरह से इन्होंने जानवरों को लाद रखा था जिसमें से आधे जानवर अजमरे हो चुके थे। पुलिस द्वारा इन्हें पकड़ा गया। इनके विरुद्ध गोवध अधिनियम में कार्यवाही की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त करके इस गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में आज थाना सिकरीगंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना से इन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जाएगा और दौरान विवेचना अपराध से अर्जित इनकी संपत्ति की जानकारी कर 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उस संपत्ति की भी जब्ती कराई जाएगी। जनपद में सभी माता पिता अपने बच्चों को नदी में नहाने ना भेजें, जिसके संबंध में ADM फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि अक्सर गांव के बच्चे नदी में नहाने जाते हैं लेकिन इस समय नदी का जलस्तर बढ़ गया है, इसलिए ऐसे बच्चों के माता पिता से अपील है कि वो अपने बच्चों को सावधान करें, वो नदी में नहाने ना जाएं क्योंकि इस समय नदी का जलस्तर बढ़ गया है और गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए उनको घर पर ही नहाने के लिए बोलें। इसलिए सभी बच्चे नदी व तालाब में नहाने ना जाएं और सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश सिंह ने कहा, जो भी अभिभावक हैं उनसे मेरी पहली अपील ये रहेगी कि अपने बच्चों को इस बारे में सावधान करें कि वो नदी में, क्योंकि नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है, पानी बढ़ा हुआ है और कहीं पे भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कहाँ पे पानी का क्या स्तर है, तो उनको घर पर ही सुरक्षित रखें। बरसात भी है तो अगल बगल के जो तालाब हैं, गड्ढे हैं, उनमें भी पानी भर जाता है, उनमें भी अचानक पानी बरसात का भरने से उनके जलस्तर का भी अनुमान लगाना मुश्किल है। तो भावकों से यही अपील है कि अपने बच्चों को इसके लिए मना करें कि तालाब में या नदी में या किसी भी जल स्रोत में न नहाएं। और कोतवाली थाने पर थाना अध्यक्ष अंजुल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष
अंजुल चतुर्वेदी ने थाना दिवस में आए सभी मामलों का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद व राजस्व विवाद से संबंधित आए थे, जिस पर उन्होंने पुलिस व राजस्व की टीम गठित कर निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर बख्शीपुर चौकी प्रभारी आशीष कुमार पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गलत बात है, सुनता नहीं। नहीं आप नहीं, जब आपने नहीं तो गलत तो आपकी है ना। गलत सर दोनों लोग हैं, भी है, भी है। तो कोई बात नहीं, तो आपने बेचा तो आप इनको आप किस ट्रांसफर कर दो, जिला कारागार में बंदी मिथुन द्वारा 27 बंदियों को टेराकोटा की मूर्तियां बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके संबंध में जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने बताया कि टेराकोटा की एक बंदी मिथुन द्वारा 27 बंदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि टेराकोटा ODOP में शामिल है। वहीं कुछ दिन पहले कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने निरीक्षण किया था और टेराकोटा का निरीक्षण किया था और बंदियों द्वारा सराहना की गई थी और सभी बंदियों को प्रशिक्षण देने के लिए निर्देश दिया गया था, जिसके तहत 27 बंदियों को बंदी मिथुन द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे यह बंदी जेल से छूटकर बाहर जाएंगे तो अपना जीवन यापन प्रतिभा के दम पर सम्मानपूर्वक कर पाएंगे। जिम्मा हुआ मेरे पर, और मैं जेल में आ गया, फिर मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मेरा काफ़ी सपोर्ट किए, मेरे कला को जान प्रोत्साहित किए, और आज जो मेरे श्रीमान जी वरिष्ठ अधीक्षक जी माननीय मेरे जेल साहब जो है मेरे बहुत मुझे सम्मान दिया, और ये जो सारा चीज़ हो रहा है सब साहब उनके बदौलत हो रहा है सर। और ये मैं पहले बनाता था ये सर जी, तो वगैरह अपने घर को सजाने के लिए दशहरे में अपना जो मूर्ति रखता था मेरे पिताजी प्रधान मित्र, तब तो मैं सब करता था ये सर। तो कैसे आपको मार्केटिंग के लिए नहीं कभी किया हूँ जी सर, अब निकलने के बाद मेरे सुधार ये आएगा कि मार्केटिंग में करूँगा इसका, इसका कर लेंगे जी सर। अच्छा, यहाँ प्रशिक्षण भी देते आने का जी सर? जी सर, यहाँ 27 लड़के हैं और 27 लड़कों को मैं बताता हूँ कि कैसे मतलब ये बनता टेराकोटा किले क्या है और इसमें कारीगरी क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या सीखना चाहिए सर, क्या क्या प्रोसेस है सर? बहुत सुंदर है, ये एक लड़का ये बनाया है और वहाँ बना है और सुबह एक लड़का वो बनाया है, बाकी नेकलेस वगैरह है तो ये सब मेरे बनाए हुए नेकलेस है, ये मेरा बनाया हुआ नेकलेस है सर। ये पूरी मिट्टी का है जी सर, टेराकोटा जी सर। क्या क्या अभी तक बना लेते हैं आप सर? इसको बना गया है, पका गया है सर, मतलब पेंटिंग बाकी है अभी जी, पेंटिंग बाकी जी सर। ये गमला फ्लावर पॉट सर, ये पहले इस तरह बना है। अपने यहाँ अवैध मोदी जी और सेकंड पार्ट में ये वाइट जिसमें कोई सिक्योर होता है, सिक्योर भरा जाता है, ये तमाम जो है नेकलेस वगैरह का चैप्टर सो ये दाने हैं जो नेकलेस में यूज होते हैं, और ये सब मिट्टी का है सर, टोटली मिट्टी। मटेरियल आता कहाँ से? ये मटेरियल अंदर से कि नहीं सर? ये मटेरियल जो है अवेलेबल होता है बाहर से, बाहर से, बाहर से मंगाना पड़ता है। जेल का कितना आपको सपोर्ट मिलता है? बहुत 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 सपोर्ट है, और हमारे जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं कि तुम सीखो ये बनाओ और बाहर निकल के जो है तुम जो आपराधिक मामला है ये तुम्हारा कोई व्यक्तिगत ये नहीं है, तुम सुधर सकते हो। तो मेरे साहब उनका बहुत कृपा है हमारे पर, और मैं यहाँ बंदी बस नॉर्मली अपना जेल काट रहा हूँ, मुझे बिल मिले मैं बाहर जाऊँगा और अपना टेराकोटा का काम स्टार्ट करूँगा, ये बड़े लेवल पर मैं करूँगा ये ताकि नाम जी सर। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार के जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने कहा, हाँ टेराकोटा के लिए इस समय 27 बंदियों को एक सिद्ध दोष बंदी मिथुन द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अन्य NGO के लोग भी महिला वर्ग में प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं टेराकोटा उद्योग इस जिले के ODOP में शामिल है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में इस कारागार राज्य मंत्री माननीय धर्मवीर प्रजापति ने अभी हाल में ही जेल का विजिट किया है, और
स्किल डेवलपमेंट के तहत ODOP के तहत अधिकाधिक बंदियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत विभिन्न ट्रेडों में जिला उद्योग केंद्र और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कराए जा रहे हैं। उसी के तहत टेराकोटा में 27 बंदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उसमें प्रसिद्ध दोस्त बंदी मिथुन काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। अभी बाहरी प्रशिक्षक नहीं है, लेकिन मिथुन इस कार्य में पूरी तरह निपुण है और अन्य बंदियों को वो ट्रेनिंग पूरी तरह से दे रहा है। और जब बंदी ये छूट कर जेल से निकलेंगे तो ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे और अपराध से विरत रह सकेंगे। इस तरीके से उनमें सुधारात्मक प्रभाव दिखाई देगा और ये लोग अपनी आजीविका भी आसानी से बाहर अर्जित कर सकते। जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक DK पांडे ने 15 अगस्त की दृष्टिगत अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के स्मारक स्थल का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में वरिष्ठ जेल अधीक्षक DK पांडे ने बताया कि 15 अगस्त को देखते हुए जेल में 9 अगस्त से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अलावा जेल में गायन व रंगोली, खेलकूद, प्रभात फेरी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बंदियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के स्मारक स्थल का निरीक्षण किया गया और 15 अगस्त के दृष्टिगत वहां पर सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जेलर अरुण कुमार कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार वरिष्ठ जेल अधीक्षक DK पांडे ने कहा, 15 अगस्त के दृष्टिगत 9 तारीख से लेकर लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उस श्रृंखला में आज वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, साफ सफाई के। 13 तारीख को पेंटिंग, गायन, संगीत आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 14 तारीख को भी इसी प्रकार कार्यक्रम, खेलकूद आदि आयोजित किए जाएंगे। 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, प्रभात फेरी और जो 9 से लेकर 14 तक जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उनके कार्यक्रमों के विजेता बंदियों को पुरस्कृत करना आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। अब आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस, 64 अखिलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवि इंटरप्राइजेज, 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं।
अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस, 64 अखिलित भवन, महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम, कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज, 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291।